Shila Prabhupada ki. Hare Krishna Bhagavad Danyava. पहलेदारी करते हैं साहब 20 साल हो गया। खारी बावड़ी का मायने 2 से 3 साल पहले से मंडी हुई है ये, और ये तो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड तो 1938 में की गई है इस मंडी को। यहाँ तो कई किस्म के मसाले, मिर्च, जीरा, धनिया, सूप, काला नमक, ये मसाले होते हैं। ये तो है ये अंदर की मार्केट, गिड़ोदिया मार्केट के अंदर मसाला है। बाहर की डिटेल है, बाहर तो जैसे काजू पिस्ते सभी ही बेचते हैं, बोड़ा छुआरा सभी। ये अंदर थोक की दुकानें हैं, जैसे थोक से माल बिकता है, बाहर खारी बावड़ी में बिकता है किलो का, ग्राम का हिसाब से ऐसे बिकता है। गंटूर, वरंगल, आंध्रा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इससे सप्लाई होती है। यहाँ दिल्ली सेंटर आता है यहाँ माल, यहाँ से वितरण होता है। जैसे बम्बई भी यहाँ से जाता है, दिल्ली से जाता है सब मसाले। बोरी उतारनी गाड़ियों में से बाहर से विदेश से माल आता है, उसको उतारते हैं पहलेदार, उसी माल को उतारते हैं, दुकान में डालते हैं, दुकानदार बेचता है, बिजनेस करते हैं। ये बड़ा बिजनेस है, ये मेहनत बहुत करनी पड़ती है पहलेदारी का। सुबह 4 बजे उठता है, दिन का 8 बजे तक तो धाउस नहीं मिलती उसको, कभी भी आराम नहीं मिलता है। फिर 1 घंटे का आराम मिलेगा, फिर चलता रहेगा, फिर रात का 2 बजे तक चलता ही रहता है, बोरी ढोते रहता है। यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, अब बाल बच्चों को पालना पड़ता ही है, मजदूरी करने आए हैं। खेती करते थे पहली पढ़े लिखे, फिर शादी हुई, फिर बाद के मायने बच्चे हुए तो खेती भी करने लगे, फिर यहाँ दिल्ली आने लगे, वहाँ से खर्चा नहीं पूरा हुआ, जब वहाँ खर्चा फिर बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे, 3-3, 4-4, 5-5 लाख की फीस होती है आजकल, मामूली बात नहीं बच्चा पढ़ाना। महंगाई ज़्यादा हो गई, पहले तो कम थी महंगाई, आज 1 रुपया का 100 रुपये बन रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है, आसमान में छा गई महंगाई, पेट भरता नहीं जब दिल्ली का आता है। आप तो पता सीटी वाले कैसे रहते हैं यहाँ, हम तो 1-2 महीने में यहाँ घायल हो जाते हैं, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है ना यहाँ, साथ सली शुद्ध दिया जाता है, या मेरी गंदगियाँ है यहाँ, तो हम रहते हैं वहाँ जगह साफ सुंदर, जब भी तो ये सीटी वाले आदमी की उम्र कम होती है। दिन में 2 टाइम खाना बनता है यार,
सुबह और शाम। शाम को तो 4 बजे से और 8 बजे तक बनाते रहते हैं। 15 आदमियों का खाना बनाता हूँ। और सुबह 4 से 4 बजे उठते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, 8 बजे तक बनाते हैं। जैसे परिवार होता है ना, वैसे सब मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पलेदारी बनाएंगी सब्जी, गाजर और मटर, हरी मिर्ची काट रहे हैं जी, और प्याज काट रहे हैं। अब चलेगा टमाटर। अब इसके अंदर डालूंगा अदरक, ये पिसेगी। जैसे मसाला पीस के खाएंगे तो टेस्टिंग ज़्यादा आएगा, और जैसे पिसा हुआ खाओगे तो उसमें कम टेस्टिंग बैठेगी। पिसी हुई के अंदर बताऊँ क्या डालते हैं? बीज मिर्च का वो पीस देते हैं, कूड़ा का बड़ा वो पिसता है, फिर उसमें कलर डाल देते हैं, वो खाते हो आप जब भी तो मोटे हो रहे हो। गैस की हम पलेदारी करने वाले कोई नहीं रोटी नहीं खाएगा। गैस की पलेदारी करने वाला कोई रोटी नहीं खाएगा। गैस की पलेदारी नहीं होगी उससे, चूल्हे की पका के ही रोटी खाएगा। पलेदारी वजन ऐसे उठाना नहीं, गैस की रोटी खा ले और वजन उठेगा नहीं उठेगा, ये टूट जाते उसके घेर गोडे। खाना पसंद आता है सब लोगों को। इंसान भी मसालों की तरह ही पिसता है यहाँ वजन के नीचे। इंसान भी जब तक मेहनत नहीं करेगा, जब तक उसको कुछ जिंदगी का स्वाद नहीं मिलेगा उसको। जब तक जितनी मेहनत करेगा जितना ही आगे आराम मिलेगा।